नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि वे वीडियो को वही किसान भाई देखे जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, उनके लिए हाल ही की लेटेस्ट अपडेट है। दोस्तों देखिए, 31 अगस्त तक जमा कर दे अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर बकाया कर्ज, नहीं तो देना होगा ज़्यादा ब्याज। इतना ही नहीं, आगे तक और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो पूरा देखे और साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी धारकों को बैंक से लिए गए कृषि कर्ज को 31 अगस्त तक वापस करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा ब्याज भरना होगा। अगर केसीसी धारकों ने 31 अगस्त तक पैसे नहीं लौटाए तो उन्हें 4% की जगह 7% ब्याज देना होगा। कर्ज वापस करने के लिए सरकार ने 31 अगस्त तक ही पैसा जमा कराने की मोहलत दी है। दोस्तों सरकार ने लॉकडाउन को देखते इसे 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई किया, बाद में इसे और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज को सिर्फ 4% सालाना के पुराने रेट पर 31 अगस्त तक ही भुगतान कर सकते हैं, इसके बाद आपको अतिरिक्त ब्याज देना होगा। खेती किसानी के लिए ब्याज दर वैसे तो 9% है, लेकिन सरकार इसे 2% की सब्सिडी देती है। इस तरह 7% पड़ता है, लेकिन समय पर लौटा देने पर 3% की छूट और मिल जाती है। इस तरह किसानों के लिए ब्याज दर 4% रह जाती है। इसके जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। वही 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। देश के 7 करोड़ से अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। केसीसी की सुविधा पशुपालन और मछली पालन के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है। आप किसी भी बैंक में अपना केसीसी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। पहला ये कि जो व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहा है वो किसान होना चाहिए या इसका प्रमाण पत्र। इसके लिए बैंक उसके लिए खेती के कागजात देके और उसकी कॉपी लेगा। दूसरा निवास प्रमाण पत्र। तीसरा आवेदन का शपथ पत्र कि वह उसका किसी और बैंक में लोन बकाया नहीं है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए कि वे आवेदन के 15वें दिन तक यानी 2 सप्ताह के अंदर किसानों का केसीसी कार्ड जरूर जारी कर दें। ये थी दोस्तों हाल ही की लेटेस्ट अपडेट। जो जो अपडेट है मैंने आपको सीधी सीधी शब्दों में बताया। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।